Good morning, friends. How are you all? I'll be presenting another vlog, and this vlog is specially dedicated to late actor Sushant Singh Rajput. Many of you are questioning me or mailing me or messaging me that why I'm not so much vocal about late actor, because I have full faith in Indian judiciary, and as we all know that the case has already been handed over to Enforcement Directorate, then Central Bureau of Investigation. Let's hope and wish, and I'm sure that truth will definitely come out. So for a refreshment, I'll be taking you all through this vlog to his school and to his college. So join me. Hey friends, I'm here. The school's name is Kulachi Hansraj Model School, and here our late actor Sushant Singh Rajput has studied. But as we come to know from Mr. Amit Kumar that he was not in this branch, he was in some another branch. So Mr. Amit Kumar also want to share something about late actor. Namaskar, main isi vidyalaya ka karmchari hoon aur Mr. Sushant Rajput hamare senior branch mein the 2003 ke batch mein wo yahan par padhte the, study kiye unhone yahan se aur bahut acha response raha unka, behavior problem koi thi nahi, waise padhai karke wo yahan se pass out. जो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत इतना चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ट्रुथ सामने आएगा, सच सामने आएगा? सस्पेंस तो है इसमें लोगों में, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़ा आदमी सुसाइड करना बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा रीज़न क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से सुसाइड किया उसने. आजकल जेलस भी लोगों को हो जाती है कि इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर प्रोग्रेस करना हर एक के लिए बस की बात नहीं है. जो उससे सीनियर भी बैठे हैं, कई एक्टर फिल्मी एक्टर्स हैं, बाकी मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने अपने आप ही सुसाइड किया होगा, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है. As we are directed by these people that इस ब्रांच में लेट एक्टर सुशांत सिंह नहीं थे, वो दूसरे ब्रांच में थे, तो अब हम उस ब्रांच की तरफ जा रहे हैं. अभी हम अंबेडकर चौक से क्रॉस करके जाएंगे उनके स्कूल की तरफ. ये अभी हम उनके स्कूल पहुंचने ही वाले हैं ऐसा लग रहा है. द स्कूल अहेड. फ्रेंड्स, मैं लेट एक्टर सुशांत के स्कूल के बाहर हूँ. हेलो मीतू दीदी. हेलो श्वेता कीर्ति दीदी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आप लोग के और दूसरे सिस्टर्स का नाम नहीं पता, बट दिस क्लिप इज स्पेशली फॉर यू. गेस वेयर एम आई? मैं आपके ब्रदर के स्कूल के बाहर हूँ. टॉक टू अ टीचर ऑफ दिस स्कूल. मैम, लोगों को ये पता चला है कि ये सुशांत सिंह राजपूत जी के स्कूल है, तो आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? सुशांत सिंह बहुत ही प्यारा बच्चा था, और क्लास में भी, मतलब आज ही हम बात कर रहे थे कि वो कभी बैठता नहीं था, कभी इधर काम कर उधर, एक्टिव बहुत था. उसकी एनर्जी थी, जनरलाइज करता था वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा. रियली हम उसको बहुत मिस करते. थैंक यू. He was of the batch 2003. जैसे कि हम पहले वाले ब्रांच से आए हैं, हमें फिर से यहाँ पे राजेंद्र कुमार जी मिल गए हैं. बहुत अच्छे थे सुशांत जी, यहाँ के स्टूडेंट थे, और इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी जगह पे पहुँचना बहुत अहमियत रखता है, पर इसके पीछे मरने के पीछे कुछ ना किसी ना किसी ना का हाथ है. उन्हें भी डीएवी का स्टूडेंट है ना जी? ये यहाँ आए हुए थे दोनों. इस टाइम हमारे ये प्रेसिडेंट जी हैं डीएवी के जी, पूनम सूरी जी. पूनम
पूनम सूरी जी। ओके, सुशांत सिंह जी देखो ये दोनों भी बैठे हैं, सुशांत सिंह जी भी बैठे हैं यहां। ये स्कूल के चेयरमैन थे, तो ये स्कूल के चेयरमैन ये दोनों आए थे। तो फ्रेंड्स वो इसी ग्राउंड फ्लोर में ही पढ़ते थे। आइए थोड़ा और दिखाते हैं आपको। ओके, ये प्लेग्राउंड। हां ये प्लेग्राउंड है। और अभी सर लोगों ने हमें बताया कि एंड हियर ही यूज्ड टू प्ले। लेट्स हैव अ लुक ऑफ हिज क्लासरूम। वी विल ट्राई टू शो हिज क्लासरूम फ्रॉम इनसाइड। अभी तो काफी दिनों से लॉकडाउन में बंद पड़ा, मिट्टी मूर्ति है। ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। फ्रेंड्स आई एम लीविंग हिज स्कूल नाउ। यहाँ पे इतने लोगों से बात हुई बट किसी ने भी एक बार भी कोई भी नेगेटिव बात उनके लिए नहीं बोला, और हो भी नहीं सकता। मतलब इट्स रियली हार्ड टू बिलीव कि कुछ नेगेटिव भी हो सकता है उनके बारे में। थैंक यू वेरी मच आप सबको उनका स्कूल का टूर कराने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। दिस इज द लास्ट मेट्रो स्टेशन। इफ यू वांट टू कम टू DTU आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। अंकल जी अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते जी। ओके थैंक यू, हम इधर से ही यू टर्न लेके चले जाएंगे। फ्रेंड्स ड्यू टू COVID-19 हम इस कॉलेज के कैंपस के अंदर नहीं जा पाए। पहले इस कॉलेज का नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट अब भी इसका नाम हो गया दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। जब सुशांत सिंह राजपूत जी इस कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तब ये इंडिया का टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक था। फ्रेंड्स विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। सो ऑल ऑफ यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू अगेन। बाय बाय।